दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मुंबई और दिल्ली की टीम के बीच में जब टॉस हो रहा था तो बीच मैदान में ऋषभ पंत ने कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर पेट पकड़कर हंसने लगे रोहित शर्मा। लेकिन आखिरकार ऋषभ पंत ने ऐसा भी क्या कहा कि रोहित शर्मा अपनी हंसी नहीं रोक पाए टॉस के दौरान, वो सब तो आपको बताएंगे ही। और कैसे ऋषभ पंत ने सबका दिल भी जीता वो सब भी। परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार का IPL कौन सी टीम जीतने वाली है, नीचे कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों IPL 2021 का सबसे बड़ा व रोमांचक मुकाबला दिल्ली और मुंबई की टीम के बीच में शारजा के स्टेडियम में खेला जा रहा है। आपको बता दें कि जहां दिल्ली की टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ में, तो वहीं मुंबई की टीम के पास और कोई ऑप्शन नहीं सभी मुकाबले जीतने के अलावा। मुंबई की टीम पहले भी ऐसे कारनामे कर चुकी है, पहले भी ऐसी सिचुएशन में से जीती है जहां से मुंबई की टीम का जीतना लगभग नामुमकिन था। इस बार मुकाबला दिल्ली की टीम से आसान नहीं होना था। खैर दोस्तों बात करें अगर टॉस की, तो आपको बता दें कि टॉस जीता दिल्ली की टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने, जिन्होंने हर दूसरे कप्तान की तरह शारजा के मैदान में पहले गेंदबाजी ही चुनी। परंतु टॉस के दौरान ऋषभ पंत और रोहित शर्मा के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि सब हंस पड़े। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ऋषभ पंत तो मस्करी करते ही हैं और रोहित शर्मा तो उनके बड़े भाई जैसे हैं। ऐसे में जैसे ही ये दोनों खिलाड़ी टॉस करने के लिए पास आए और रोहित शर्मा टॉस हार गए, तो उसके बाद फोटो खिंचवाते हुए ऋषभ पंत यह कहते सुनाई पड़ रहे थे कि इस बार तो दिल्ली की टीम ही IPL जीतने वाली है, इस मुकाबले को तो आप भूल ही जाइए। जिसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा बहुत ही तेज हंसते नजर आए, क्योंकि टॉस हारने के बाद भी रोहित शर्मा ने इस बात को साफ कर दिया था कि इस मैदान पर ना तो टॉस जीतने वाली टीम ज्यादा बार जीती है और ना ही हारने वाली। ऐसे में जो बेहतर परफॉर्म करेगा मुकाबला उसी टीम का है। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा भी ऋषभ पंत की इस बात पर हंसते नजर आए थे। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इस बार मुंबई इंडियंस की टीम पॉइंट्स टेबल में काफी ज्यादा नीचे है और मुंबई इंडियंस की टीम एक भी मुकाबला हारी तो वो सीधा IPL से बाहर होगी। ऊपर से ऋषभ पंत की कप्तानी शुरुआती दौर में भारी पड़ती नजर आई जब रोहित शर्मा का विकेट गिर गया। लेकिन यह मजाकिया वाक्य कुछ इस तरीके से ही था। परंतु आप सभी को क्या लगता है ऋषभ पंत और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा में से कौन एक बेहतर कप्तान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही सभी ताज़ा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।